नमस्कार एनसीआर गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है क्लास सेवन की साइंस का चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर वन में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा है चैप्टर चैप्टर में आइए हम न्यूट्रिशन इन इन एनिमल्स देखें यू हैव दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड द प्रोसेस ऑफ फोटो बट एनिमल्स कैन नॉट चैप्टर वन में हमने पढ़ा कि प्लांट्स फोटो करके अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. जानवर अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं पौधों से लेते हैं या तो डायरेक्टली वे प्लांट्स को ही खा लेते हैं या फिर वे ऐसे जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हों सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. चैप्टर वन में हमने देखा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए फूड चाहिए ग्रो करने के लिए उनकी बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और उनकी बॉडी सही से काम करे इस चीज के लिए फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलिटी इन बॉडी एनिमल न्यूट्रिशन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं पहला होगा कि क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है एनिमल की कितना न्यूट्रिशन चाहिए एनिमल को दूसरा होगा कि मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड किन तरीकों से वे फूड इनटेक करते हैं किन तरीकों से वे खाना खाते हैं और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फूड जो एनिमल ने खाया उनके शरीर में वो किस तरह यूटिलाइज हुआ किस तरह उस फूड का इस्तेमाल हुआ इन तीन भागों में हम एनिमल न्यूट्रिशन को बांट सकते हैं यू हैव स्टडीड इन क्लास सिक्स दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट बिलो क्लास सिक्स में हमने जाना है कि फूड बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को मिलाकर बनता है तो उन कॉम्पोनेंट्स के नाम लिखिए यहाँ पे तो क्लास सिक्स में हमने देखा है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स ये सारे होते हैं आप इन चीजों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे द कंपोनेट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फूड का जो एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से मतलब ये कि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिलाकर बनता है दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाईज एज सच क्यूकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिलाकर बनता है इसीलिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता उन्हें सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वो जिन सब्सटेंसेस से मिलाकर बना है पहले उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को उन मिलाकर बने सब्सटेंसेस में तोड़ना होगा और उसके बाद उन सिंपलर सब्सटेंसेस को टूटे हुए सब्सटेंसेस को हमारा शरीर यूटिलाइज करेगा इसे एक बार और देखें कि दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाईज एज सच डायरेक्टली उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस इसीलिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है आसान सब्सटेंसेस में सिंपलर सब्सटेंसेस में छोटे छोटे सब्सटेंसेस में जिन सब्सटेंसेस से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना होता है उनमें द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन हमारे खाने के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का उनके सिंपलर कॉम्पोनेंट्स में टूटना ही डाइजेशन है मतलब डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, वो अपने कॉम्पोनेंट्स में टूट जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं अगला सेक्शन है 2.1 पॉइंट वन डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड खाना खाने के खाना अपने शरीर के अंदर लेने के क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खाना किस तरह खाते हैं वह वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द्लांट्स इनफेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क अगर मधुमक्खी या फिर हमिंग बर्ड की बात करें तो वे फूल का नेक्टर चूसते हैं नेक्टर पराग को कहते हैं तो बीज और हमिंग बर्ड फ्लार का सक करते का अगर आदमी के बच्चों की बात करें या फिर और भी जानवर के बच्चे माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे अपॉन अगर सांपों की बात करें जैसे कि सांप में एक सांप का नाम है पाइथन वह जिन जानवरों का शिकार करता है उन्हें पूरा ही पूरा निगल जाता है upon मतलब शिकार करना उन पर डिपेंड होना तो सांप जिन जानवरों पर डिपेंड होता है उन्हें पूरा निगल जाता है जैसे सांप मेंढक को पूरा निगल जाता है सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम कुछ जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो पानी में घुले हुए छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है छान लेता है और अपने फूड का इनटेक अपना फूड वहीं से लेता है जैसे कि मछली पानी के छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेती है और उसी पर डिपेंड होती है एक्टिविटी 2.1 पॉइंट वन द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फॉलोइंग एनिमल्स नीचे जितने एनिमल्स के नाम दिए गए हैं वे किस तरह के खाने खाते हैं और वे जिस तरीके से खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं ये भरना है हमें इस टेबल में राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गि टेबल आप जो देखेंगे वो यहाँ भरिएगा यू में फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवेन बिलो द टेबल हेल्पफुल तो इस टेबल के नीचे खाना खाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो लिखे गए हैं जैसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग का मतलब खुरचना ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्नेल्स में होता है अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है चुविंग चुविंग मतलब चबाना खाना हम ह्यूम भी चबा खाते हैं तीसरा तरीका है साइफनिंग साइफनिंग वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने को सक करता है जैसे बीज में हो रहा था मधुमक्खी फ्लावर के नेक्टर को सक करती है तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन साइफनिंग कहलाएगा अगला है कैप्चरिंग एंड स्वलोइंग पकड़ के निगल जाना तो सांपों में इस तरह का न्यूट्रिशन होता है अगला है स्पॉन्जिंग स्पॉन्जिंग एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के ऊपर सलाइवा स्प्रेड करता है लार टपकाता है जिससे उसका फूड डिजोल्व कर जाता है घुल जाता है उसके सलाइवा में और उसके बाद उस घुले हुए फूड को वो सक कर लेता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हाउस फ्लाई में होगा अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सकिंग सकिंग जैसा कि नाम से क्लियर है चूसना ना ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मॉस्क्यूटोज में होगा ये हमारा खून चूसते हैं तो आप इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके इस टेबल को भर सकते हैं एक अमेजिंग फैक्ट है स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्टारफिश एक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाया जाता है फिश है एक तरह का जो स्टार की तरह का दिखता है ये ऐसे एनिमल्स को खाता है जिनके शरीर पर हार्ड शेल्स होते हैं जैसे स्नेल्स के शरीर पे एक हार्ड कवर होता है और वो कवर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है काफी मजबूत होता है अपने शंख देखे होंगे वो भी एक हार्ड शेल ही है तो ये स्टारफिश वैसे एनिमल्स पे डिपेंड करता है वैसे एनिमल्स को खाता है जिनके पास हार्ड शेल हो आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रो इट्स माउथ टू ईट दॉफ्ट एनिमल इन साइड द सेल तो ये स्टार फिश सबसे पहले उस शेल को उस कवर को खोलता है उसके बाद अपना स्टोमक अपना पेट अपने मुंह से बाहर निकालता है फिर उसके बाद जो एनिमल उस शेल की कवरिंग के अंदर था उसे खाता है The 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 stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. kha leta hai uske baad starfish ka stomach का स्टोम से उसके में चला जाता है तो ये स्टारफिश के बारे में था आइए हम सेक्शन टू पॉइंट टू देखते हैं Digestion in humans. हम ह्यूमंस में खाना किस तरह पचता है उसके बारे में वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज हम मुंह से खाना खाते हैं उसे पचाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड खाने का वह हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं होता है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है डिफिकेट का मतलब होता है शौच करना तो हमारे खाने का वो हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं हो सका यूटिलाइज नहीं हो सका उसे शरीर बाहर निकाल देता है फूड इन साइड द बॉडी क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है उसके साथ क्या होता है द फूड पास कैनाल फिगर टू पॉइंट टू विच बिगीटी हम जो खाना मुंह से खाते हैं वो एक बड़े लंबे कैनाल से होके गुजरता है बड़े लंबे रास्ते से होके गुजरता है और इस रास्ते की शुरुआत यहाँ इस बकल कैविटी से होती है हमारे मुंह के अंदर के छेद से होती है और इस कैनाल का एंड पॉइंट एनस है जहां से वेस्ट खाना बाहर निकलता है द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कम्पार्टमेंट इस पूरे कैनाल को इस पूरे फूड पाइप वाले रास्ते को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बहुत सारे भाग में बांटा जा सकता है सबसे पहले पार्ट को हम बकल कैविटी कहेंगे बकल कैविटी यहाँ सबसे ऊपरी हिस्सा है हमारे मुंह के अंदर जो छेद है जिससे खाना अंदर जाता है वही बकल कैविटी है दूसरा है फूड पाइप और ओएसोफेगस। फूड पाइप को हम ओएसोफेगस भी कहते हैं तो ये रहा फूड पाइप और ओएसोफेगस। तीसरा है स्टोमक स्टोमक हमारा पेट स्टोमक यहाँ है चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत कहते हैं तो ये जो विरली स्ट्रक्चर है घुमावदार स्ट्रक्चर है ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है अगला है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं तो यहां से ये शुरू होकर ये रेक्टेंगुलर टाइप की चीज पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है जिसके एंड पे ये एनस है लार्ज इंटेस्टाइन एंड करता है रेक्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा है उसे रेक्टम कहते हैं और रेक्टम के आगे एनस होता है इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ तो खाने के इस पूरे रास्ते को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि यह रास्ता बहुत बड़ा है दीज पार्ट टूगेदर फॉर्म द एलिमेंटरी कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन सभी पार्ट्स को एक साथ मिलाकर एलिमेंटरी केनाल कहा जाता है या फिर इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं ट्रैक्ट मतलब रास्ता वह रास्ता जिसमें खाने को पचाया जाता है वह हमारा एलिमेंट्री कैनाल है द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रो वेरियस कंपार्टमेंट्स खाना जब शरीर के अंदर जाने के बाद अलग अलग कंपार्टमेंट से गुजरता है सबसे पहले स्टमक में उसके बाद इस रास्ते से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में तो इन रास्तों में धीरे धीरे हमारा खाना पचता जाता है डाइजेस्ट होता जाता है द इनर वर्ल्स

जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड लिवर और पेनक्रियाज ये सारे ऐसे जूस रिलीज करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो खाने को पचाता है द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सेस ऑफ फूड इन टू सिंपलर वन हमने ऊपर जाना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं इसीलिए इन डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है ताकि उस फूड को हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सके यूटिलाइज कर सके द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टूगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरा रास्ता पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसके साथ जितने भी ग्लैंड जुड़े हुए हैं जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड पेनक्रियाज लीवर ये सभी मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है नाउ लेटस नो वॉट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आइए अब जानते हैं कि इस पूरे रास्ते में किन किन हिस्सों में क्या क्या काम होता है क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म होता है फूड के ऊपर किन किन पार्ट्स में अब वो जानेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी हमारा मुंह और उसके साथ जो छेद लगा हुआ है जिसे बकल कैविटी कहते हैं उसमें क्या होता है फूड के साथ उसके बारे में द फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ हम खाना सबसे पहले अपने मुंह में डालते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनजेशन खाना मुंह में डालने के प्रोसेस को इनजेशन कहा जाता है वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस खाना मुंह में डालने के बाद हम उसे चबाते हैं अपने दांतों से और उसे हम छोटे-छोटे टुकड़ों -छोटे में तोड़ देते हैं फूड हमारे दांत रूपी मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है मैकेनिकली मतलब मशीनी तरीके से तो जिस तरह मशीन हमारे फूड का छोटा छोटा टुकड़ा करता वैसा ही छोटा छोटा टुकड़ा हम फूड का अपनी दांतों से चबाकर कर देते हैं ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन गम्स अगर आप अपने जबड़े को देखें तो हर दांत एक अलग अलग सॉकेट में लगा है अलग अलग जगह लगा है आवर टीथ वेरी इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस हमारा हर दांत अलग अलग तरह का है और वो अलग अलग काम भी करता है अकॉर्डिंगली दे आर गिवेन डिफरेंट नेम्स और उनके काम के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है जैसे कि ये अंत वाले जो तीन दांत हैं उन्हें मोलर कहते हैं उसके बाद वाले जो दो दो हैं उन्हें प्री मोलर कहते हैं उसके बाद का एक जो है वो कैनाइन कहलाता है और आगे के जो चार दांत हैं वो इन सीजर्स कहलाते हैं तो इस तरह से कुछ दांतों का अरेंजमेंट है हमारे माउथ के अंदर आइए हम एक्टिविटी 2.2 को देखते हैं वॉश योर हैंड्स लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ अपने हाथों को धोकर आईने में देखकर कर अपनी दांत गिनिए यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करके अपनी दांत को महसूस करिए छुकर हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड तो कितने तरीके के दांत आप ढूंढ पा रहे हैं खोज पा रहे हैं टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट एक रोटी का या एक सेब का टुकड़ा लीजिए और उसे खाइए विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग तो किस दांत को आप इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए एंड Which वन फॉर पायरसिंग एंड tearing किस दांत को आप चुभने के लिए या फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं फूड को ऑल्सो फाइंड आउट वंस आर यूज फॉर एंड ग्राइंडिंग जिन दांतों को हम पीसने या चबाने के लिए ये के लिए यूज होता है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे टेबल 2.2 में लिखिए आर माउथ हैज दिलिवरी ग्लैंड विच सिकरेटा सलाइवा हमारे मुंह में सेलिवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा सिकरेट करते हैं इसे ही हम लार कहते हैं मुंह से जो पानी आता है वही स्लाइवा है डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड ये स्लाइवा खाने के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करता है क्या काम करता है खाने के ऊपर क्या इसके बारे में पता है आपको लेटस फाइंड आउट आइए इस एक्टिविटी में पता करें एक्टिविटी टू टेक टू ट्यूब्स, लेबल दम ए एंड बी दो टेस्ट ट्यूब लीजिए एक का नाम हम ए रखेंगे दूसरे का A, में एक चम्मच उबला चावल रखेंगे इन टेस्ट ट्यूब बी कीप वन टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूविंग इट फॉर थ्री टू फाइव मिनट दूसरे टेस्ट ट्यूब में वही उबला चावल हम तीन से पांच मिनट तक चबा रखेंगे एड थ्री टू फोर एम एल ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में तीन से चार एम एल तक पानी रखेंगे नाउ पोर टू टू थ्री ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व उसके बाद दोनों ही टेस्ट ट्यूब में दो से तीन ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन का डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे की क्या चेंज हो रहा है वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट्यूब तो टेस्ट ट्यूब में रंग क्यों बदल रहा है इसका कारण बताना है डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर जो रिजल्ट आपने यहां देखा इसका क्या कारण है इसके बारे में अपने दोस्तों से और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए द स्लाइवा ब्रिक्स डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स तो टेस्टिव बी में हमने बॉइल्ड राइस को चबाकर रखा था इसमें स्लाइवा प्रेजेंट है और स्लाइवा स्टार्च को उनके सुगर्स में तोड़ देती है द टंग इज अ फ्लेशी मोस्क्यूलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी जीभ हमारा मांस का बना हुआ एक ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी के सतह पर होता है हमारे मुंह के अंदर होता है इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन ये आगे से फ्री होता है और हम अपने जीव को हर दिशा में घुमा सकते हैं डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग हमारे जीव का क्या क्या काम है क्या आप इसके बारे में जानते हैं वी यूज आर टंग फॉर टॉकिंग हम बात करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं बिसाइड्स इट मिक्सिस सैलि विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग and helps in swallowing food. जीभ का इस्तेमाल बात करने के अलावे, जीभ हम जब खाना चबा रहे है होते हैं उस समय खाने के साथ सलाइवा मिक्स करने के काम भी आता है और यही जीभ हमें खाने को निगलने में भी स्वेलो करने में भी मदद करता है। We also taste food with our tongue. खाने का स्वाद भी हम जीभ की मदद से ही ले पाते हैं। It has taste buds that detect different tastes of food. जीव में छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं इस फिगर में आपको छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स दिखेंगे जो जीव के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से लगे होते हैं और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की मदद से हम खाने के स्वाद को चख पाते हैं वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं इसका पता हम इस एक्टिविटी को करके लगा सकते हैं आइए उससे पहले इस बॉक्स को देखते हैं स्वीट्स एंड टूथ डीके मिठाई और हमारे दांतों का खराब होना नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस आमतौर पे बैक्टीरिया हमारे मुंह में मौजूद होता है लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता हार्मफुल नहीं होता उथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मुल बैक्टीरिया ऑल्सो लेकिन अगर हम अपने दांत को खाने के बाद अच्छे से साफ नहीं करें तो हार्मफुल बैक्टीरिया भी हमारे मुंह के अंदर रहने और ग्रो करने लगते हैं दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लिफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स ये हार्मफुल बैक्टीरिया दांत में फंसे हुए खानों के सुगर को तोड़ता है ब्रेक डाउन करता है जिससे हमारे दांत में एसिड रिलीज होता है सी चैप्टर फाइव टू नो एन एसिड इज चैप्टर फाइव में हम एसिड के बारे में और पढ़ेंगे लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया जब दांत में एसिड रिलीज करता है तो ये एसिड हमारे दांत को खराब करते हैं द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ ये एसिड्स धीरे धीरे हमारे दांत को खराब करते जाते हैं दिस ज कॉल्ड टूथ डिके और इसी को टूथ डिके कहा जाता है दांत का खराब होना कहा जाता है इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस अगर इस दांत के खराब होने को समय रहते ट्रीट नहीं किया गया इसका इलाज नहीं किया गया तो दांतों में बहुत जोर दर्द होता है टूथ एक होता है और कुछ कुछ बुरे कंडीशंस में दांत उखड़वाना भी पड़ता है चॉकलेट्स स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर सुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके तो ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं चॉकलेट्स स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर जितनी मीठी चीजें हैं ये सभी टूथ डिके का कारण है देअर फोर वन शुड क्लीन द टिथ विथ अ ब्रश और धातून एंड डेंटल फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस अ डे हमें अपना मुंह इसीलिए साफ रखना चाहिए ब्रश से या दातून से या डेंटल फ्लॉस की मदद से और हमें अपना मुंह दिन में दो बार धोना चाहिए एंड रिन्से द माउथ आफ्टर एवरी मील हर खाने के बाद भी हमें अपना मुंह साफ करना चाहिए ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ और हमें ये चाहिए कि हम अपने मुंह में अपनी गंदी उंगलियां और बिना धोई हुई चीजें नहीं लगाएं। समटाइम्स वेन यू ईट इन हरी टॉक और लाफ वाइल ईटिंग यू मे कॉफ गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर खाते हुए बोलते या हंसते हैं तब आपको खांसी आ सकती है हिचकी आ सकती है आपका सांस फूल सकता है दिस पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप ऐसा इसलिए होता है कि खाना जो फूड पाइप में जाना चाहिए था वो विंड पाइप में चला जाता है हवा के रास्ते में चला जाता है द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रेल्स टू द लंग्स विंड पाइप हमारे नाक के छेदों से हवा को लेकर फेफड़ों तक जाता है लंग्स तक जाता है इट रंस एडजेसेंट टू द फूड पाइप ये विंड पाइप फूड पाइप के बगल में होता है बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज लेकिन गले के अंदर फूड पाइप और विंड पाइप का एक ही रास्ता होता है दोनों एक ही पैसेज शेयर करते हैं देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप तो अब गले के अंदर जब फूड पाइप और विंड पाइप एक ही होते हैं तो क्वेश्चन है कि अब फूड को विंड पाइप में एंटर करने से कैसे रोका जाता है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉलोइंग फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इन टू द फूड पाइप खाना निगलते वक्त एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड को फूड पाइप से लेकर जाता है इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर दाइप गेट हिकअप्स और कफ अगर गलती से फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला जाता है तब हमें चोकिंग सेंसेशन होता है हमारा दम घुटता है हिचकी आती है या फिर हम खासते हैं तो ये तो टू नो था आइए हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं हम टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे जीव में लगे होते हैं जिससे हमें खाने के स्वाद का पता चलता है ये टेस्ट बर्ड्स हमारे जीव में कहा लगे होते हैं इसका पता हम एक्टिविटी 2.4 से लगाने वाले हैं आइए इसे देखें प्रिपेयर एंड सेपरेट ईच सैंपल ऑफ फर्स्ट सुगर सॉल्यूशन सेकंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन थर्ड लेमन जूस एंड फोर्थ जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉड इन चीजों के सॉल्यूशन को लेना है पहला है सुगर सॉल्यूशन चीनी को पानी में मिला देंगे तो शुगर सुगर सॉल्यूशन बनेगा उसी तरह नमक को पानी में मिला देंगे तो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा नींबू के रस को पानी में मिला देंगे तो लेमन जूस का सॉल्यूशन बनेगा उसी तरह पीसे हुए क्रश्ड नीम के पत्ते को या फिर करेले को पानी में मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा ब्लाइंडफोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन अपने एक दोस्त के आंख पर पट्टी बांधकर ब्लाइंडफोल्ड करके उसे कहिए कि वह अपनी जीभ बाहर निकाल के रखे यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द वन वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर टू पॉइंट सिक्स तो ऊपर है हमारा फिगर टू पॉइंट सिक्स तो यहाँ जो जो रीजन दिखाए गए हैं ये गोले वाले इन रीजन्स पे हमें एक टूथ पिक की मदद से उन चारों सोल्यूशन के ड्रॉप अपने दोस्त की जीव पे रखनी है यूज अ न्यू टूथ पिक फॉर sample. सैपल चारो सोल्यूशन के लिए आप अलग अलग टूथ पिक यूज करें अगर आप एक ही लकड़ी यूज कर लेंगे तो टेस्ट का पता सही से नहीं लग पाएगा आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कु डिटेक्ट द स्वीट सोल्टी सावर एंड बिटर सब्सटेंसेस अपने दोस्त से पूछिए कि उसके जीभ का कौन सा इलाका मीठे सब्सटेंस को तीखे सब्सटेंस को खट्टे और सॉल्टी सब्सटेंस को महसूस कर पा रहा था समझ पा रहा था तो इससे आप पता लगा पाएंगे की जीभ का कौन सा एरिया कैसे टेस्ट को महसूस कर सकता है नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर टू पॉइंट सिक्स आपके जो भी ऑब्जर्वेशन हुए इस एक्टिविटी को करने के बाद उसे लिखिए और यहाँ जो इलाके दिखाए गए हैं उनमें किस तरह का टेस्ट है उसके अनुसार इसे लेबल कीजिए रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स और इसी एक्टिविटी को अपने दूसरे दोस्तों के साथ परफॉर्म कीजिए द फूड पाइप और ओसो अब फूड पाइप के बारे में द स्वेलोड फूड पासेस एन टू द फूड पाइप और ओएसोफेगस एट फिगर 2.2 पॉइंट टू द फूड पाइप रन अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट तो फिगर 2.2 हमारा ऊपर है यह है ओइसोफेगस या फूड पाइप ये गर्दन से होते हुए सीने तक आता है और उसके बाद ये स्टोमक से जुड़ा हुआ है फूड इज पुश डाउन बाई मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप फूड पाइप के अंदर जो भी खाना एंटर करता है जैसा कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है तो फूड पाइप की जो दीवार है जो वॉल ऑफ फूड पाइप है वो इस फूड को नीचे की तरफ ढकेलती है जिससे खाना स्टोमक तक पहुंचता है एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंटरी केनाल एंड पुशस द फूड डाउन वर्ड वास्तव में ये जो फूड पाइप में हो रहा मूवमेंट है ये पूरे ही एलिमेंटरी केनाल में होता है एलिमेंटरी केनाल हमारा ये पूरा रास्ता है ए नस्तक तो फूड वैसे ही वॉल के धकेलने से नीचे को आता जाता है और फाइनली इनस से बाहर निकल जाता है एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आर स्टोमक एंड इज वोमिटेड आउट जब कभी खाना हमारा नहीं पचता है हमारा पेट उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है उस केस में उल्टी होती है वोमिटिंग होती है रिकॉल द इंस्टेंसेस वेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट याद कीजिए जब आपको कभी उल्टी हुई हो और उसका कारण पता करने की कोशिश कीजिए डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर इस बारे में अपने पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस कीजिए कि वोमिटिंग क्यों होती है द स्टोमक इज ए थिक वर्ल्ड बैग स्टोमक एक बैग की तरह का है जिसकी दीवार मोटी है इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैट एंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल अगर आप स्टोमक के शेप को देखें तो ये एक जे की तरह का लगता है जे को अगर फैला दिया जाए तो ये स्टोमक की तरह बन जाएगा और ये हमारे पूरे एलिमेंटरी कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है सबसे वाइडेस्ट पार्ट है इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट सिरे होते हैं एक सिरा जिससे फूड पाइप लगा हुआ होता है जहां से फूड एंटर करता है और दूसरा सिरा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिकरेट्स म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमक के अंदर की जो दीवार है वो डाइजेस्टिव जूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यू म्यूकस सिकरेट करती है इसे हमारे फूड के साथ मिक्स करती है उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेंजरस है ये हमारे स्टोमक की दीवार को खराब भी कर सकता है इसीलिए म्यूकस सेक्रेट होता है जो कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक को बचाता है द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट हमारे पेट में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिकरेट होता है ये फूड के साथ आए बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है और ये पूरे फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है पूरा जो फूड डाइजेस्ट होने को रेडी है उसे एसिडिक बनाता है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस इस पे काम कर सकें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस पेट में सिकरेट हुए ये डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन्स को और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं और छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं जिनको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके अगला है द स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की फिगर अगर आप देखेंगे तो यह है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो घुमावदार स्ट्रक्चर है और इसकी लंबाई 7.5 पॉइंट फाइव मीटर होती है इट रिसीव्स सिकरेशन फ्रॉम लिवर एंड द पेनक्रियाज इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस लिवर और पेनक्रियाज से भी आते हैं आप देखेंगे पेनक्रियाज यहाँ लगा है और लिवर हमारा कुछ यहाँ है तो कुछ जूसेस इन लिवर और पेनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बेसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस लिवर और पेनक्रियाज के जूसेस के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल भी बहुत सारे जूसेस सिक्रेट करता है जिससे खाने को पचाया जा सके द लिवर इज अ रेडिस ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट

तो चूंकि लीवर डाइजेस्टिव जूसे सिकरेट करता है इसलिए यह ग्लैंड है और हमारे शरीर में पाया जाने वाला यह सबसे बड़ा ग्लैंड है इट सिकरेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गोल ब्लडर लीवर हमारा बाइल सिकरेट करता है बाइल एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है जो खाने को पचाने में मदद करता है और यह बाइल जूस गोल ब्लडर में स्टोर होता है जमा होता है गोल ब्लडर एक सैक है सैक मतलब थैली या पाउच की तरह की कोई चीज गॉल ब्लडर उसी आकार का होता है और बाइल जूस को स्टोर करके रखता है द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स जितने तरह के हम फैट खाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल के साथ साथ हम जो फैट इनटेक करते हैं उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम ये बाइल जूस करता है द्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज होता है ये क्रीम कलर का होता है द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस दम इन टू सिंपलर फॉर्म्स पेनक्रियाजूसरेट करता है उसे पेनक्रियाटिक जूस कहेंगे और यह जूस कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है उन्हें और सिंपलर फॉर्म्स में आसान फॉर्म्स में छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ता है ताकि वे डाइजेस्ट हो सके यहाँ एक कहानी है इस बॉक्स में एक आदमी थे जिनका नाम एलेक्स सेंट मार्टिन था जिन्हें एक बार शॉटगन से यहां गोली लग गई थी और यहां उनके चेस्ट में एक होल हो गया था जिससे उनके अंदर के ऑर्गन्स दिखाई दे रहे थे और एक डॉक्टर जिनका नाम विलियम बेमोन्ट था उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और स्टोमक के बारे में और भी चीजें पता की कि फूड का डाइजेशन किस तरह होता है आइए हम आगे देखें द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिच द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कम्पलीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कम्पोनेट ऑफ द फूड तो अभी हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में है स्टोमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियाज से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आए थे Small intestine के wall ने भी किए थे बहुत बहुत बड़ा है है उसमें देर तक रहता है. और finally, जितने सारे juices हैं वो अपना काम कंप्लीट करते हैं फूड का डाइजेशन पूरा हो जाता है द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिस एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड हमारे फूड में पाए जाने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स अपने अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल सुगर्स में टूटता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है वहीं प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटते हैं ये इनका सिंपलर फॉर्म है और ये तोड़ने का काम डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्बशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो किस तरह एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि उसे यूटिलाइज किया जा सके अब इसके बारे में देखेंगे पचा हुआ खाना, digested food, अब हमारे blood vessels में जाने के लिए तैयार होता है और जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में एंटर करता है इसी प्रोसेस को हम एबजॉपन कहते हैं द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में बहुत सारे उंगली की तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर की तरफ निकले होते हैं ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विली कहते हैं ये विली प्लूरल है इसका सिंगुलर विलस होता है एक विली को विलस कहेंगे कैन यू गेस द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन क्या बता सकते हैं कि विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन में तो विली बहुत सारे होते हैं और वे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाते हैं फॉर एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड विली के बहुत सारे होने से फूड के एब्जॉर्ब होने का एरिया बढ़ जाता है अगर एक ही विली होता तो फूड को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता बहुत सारे विली आसानी से फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ईच विलस है ब्लड एब्जॉर्ब करता है द एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वा द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्पलेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई द बॉडी दिस इज कॉल्ड एस विली के द्वारा ब्लड वेसल्स में एब्सॉर्ड फूड हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचता है और वहाँ की हेल्प से और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं मतलब अपनाना ऑर्गन के द्वारा फूड को अपनाया जाता है यूटिलाइज किया जाता है इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज हमारा कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में टूटा था वो सेल्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की मदद से और टूटता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है और साथ में हमें एनर्जी मिलती है में बचा हुआ फूड जो डाइजेस्ट नहीं नहीं हो सका या नहीं हो सका सका, या वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अबाउट वन पॉइंट फाइव आप इन इंटेस्टाइन को देखें तो लार्ज टस्टाइन हमारा ये वाला है ये 1.5 पॉइंट मीटर लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और कुछ नमक कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले द रिमेनिंग वेस्ट पासस इन टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस बचा हुआ खाना बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड

चबाई जा रही होती है उसका खाना खत्म हो गया है फिर भी एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रासव में जब वे खाना खा रहे होते हैं तो वे जल्दी जल्दी खाने को निकल लेते हैं और उसे अपने स्टोम के एक पार्ट में स्टोर करके रखते हैं जिसे हम रूमेन कहते हैं ये टेम्पररी स्टोरेज होता है हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड तो जो रूमेन है आप इस फिगर में देखेंगे ये इनका रूमेन है जहाँ पे टेम्परली फूड स्टोर होता है यहाँ पे इनका खाना पार्टली डाइजेस्ट होता है आधा एनिमल चूज इट और बाद में ये कड छोटे 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 ढेले में टुकड़े में गांठ में गाय के मुंह में आता है और गाय उसे चबाती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन फूड के रूमेन से बाहर आने को और गाय इसे चबा के जब वापस भेजती है इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स और रूमिनेशन परफॉर्म करने वाले एनिमल्स को जिन एनिमल में ये रूमिनेशन का प्रोसेस होता है उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोर्स एंड अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रास में बहुत सारा सेल्यूलोर्स पाया जाता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोर्स जितने भी रूमिनेंट्स हैं उन सभी के रूमिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो की ग्रास को डाइजेस्ट करने में उनकी हेल्प करता है मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज बहुत सारे जानवर हम ह्यूमंस भी ग्रास में पाए जाने वाले सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं एनिमल्स लाइक हॉर्सेस रेबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम बिट्वीन द ओसोफिगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ और जानवर जो घास खाते हैं जैसे की घोड़े या फिर खरगोश इनमें भी एक सेक की तरह का थैली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैकम कहते हैं ये स्ट्रक्चर ओइसोफेगस फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लगा होता है द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाई द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूम इस कैकम में हॉर्सेस में या फिर रैबिट्स में सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और ये बैक्टीरिया हम ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता सो फार यू हैव अबाउट एनिमल्स ज द डाइजेस्टिव सिस्टम अब तक हमने उन जानवरों के बारे में देखा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है खाना पचाने का सिस्टम होता है बट देर आर मेनी स्मॉल डू नॉट ऑर्गेनिजम्ड अ डाइजेस्टिव सिस्टम लेकिन ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास मुंह भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड तो अब सवाल है कि वे खाना कैसे खाते हैं और उसे कैसे पचाते हैं इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड एंड टेक नीचे के सेक्शन में हम एक और दिलचस्प तरीका देखेंगे खाना को अपने शरीर के अंदर लेने का फूड इनटेक करने का 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा अमीबा फूड कैसे लेता है और उसे कैसे डाइजेस्ट करता है उसके बारे में अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं और ये एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म है यू है और ये तालाब में पाया जाता है अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वॉक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है ये बाहर की कवरिंग ब्लैक वाली अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एक गोलाकार और बहुत घना न्यूक्लियस होता है और बुलबुले की तरह किसी खाली चीज होती है जिसे फूड वॉक्यूल्स कहते हैं और ये पूरा येलो पोर्सन साइटोप्लाज्म है जिससे अमीबा की बॉडी बनी है अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन अमीबा लगातार अपने शरीर का आकार और अपना पोजिशन बदलता रहता है इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया ये उंगली की तरह की एक चीज बाहर निकालता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं जैसे कि आप यहाँ यहाँ या फिर यहाँ देख सकते हैं ये दोनों भी स्यूडोपोडिया ही हैं और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड इसी स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं नकली पैर कहते हैं और इसी की मदद से वो फूड को भी कैप्चर करता है इस खाली जगह में वो फूड को कैप्चर कर लेता है अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ये अमीबा जो की खुद माइक्रोस्कोपिक है इसीलिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट जैसे ही अमीबा को पता चलता है कि उसके आसपास कोई खाना है तो वो तुरंत ही अपना स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट बाहर निकालता है और अपने फूड को एनगल्फ कर लेता है कैप्चर कर लेता है जकड़ लेता है द फूड बिकम्स ट्रैप in the food vocule. और ये खाना इस खाली जगह में कैप्चर हो जाता है स्यूडोपोडिया आगे से आके बंद हो जाता है जैसे कि इस फिगर में आप एक कैप्चर्ड फूड देख रहे हैं यहाँ भी एक कैप्चर्ड फूड है तो ये पूरा साइकिल दिखाया गया है कि फूड पार्टिकल किस तरह आया सूडोपोडिया ने उसे इनगल्फ कर लिया उसके बाद ये अंदर आया धीरे धीरे डाइजेस्ट हुआ और एरो से दिखाया गया है कि जब डाइजेशन पूरा हो गया तो वेस्ट को अमीबा ने शरीर के बाहर निकाल दिया इजेस्टेड फूड जो फूड बाहर निकल गया और यहाँ इंजेक्शन हो रहा

फूड से जो भी एनर्जी जो भी न्यूट्रिएंट्स अमीबा को मिलती है वो न्यूट्रिएंट्स अमीबा इस्तेमाल करता है ग्रोथ करने में बढ़ने में अपने शरीर को मेंटेन करने में और रिप्रोड्यूस करने में मल्टीप्लाई होने में एक अमीबा से दो अमीबा बनने में फूड इज एक्सपेडर में देखा कि जो फूड अनडेस्टेड रह गया जो फूड का वेस्ट पार्ट था वो शरीर से बाहर निकाल दिया गया एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकाल देना द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स सभी जानवरों में खाना खाने का और उस खाने से एनर्जी ऑबटेन करने का यही तरीका है सभी जानवर फूड का इनटेक करते हैं अपने शरीर में फूड लेते हैं उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसे अपने शरीर को बिल्ड करने में अपने बॉडी ग्रोथ के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए या और भी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और फाइनली जो लेफ्ट ओवर फूड होता है जो यूटिलाइज नहीं हो सका उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाई द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्सॉर्ब हुआ वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ऑर्गन्स में किस तरह पहुंचा ये ट्रांसपोर्ट किस तरह हुआ इसके बारे में जानेंगे तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय